पिंपरी चिंचवार शहर पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश और उनकी टीम ने गहुंजे क्रिकेट बेटिंग प्रकरण में गिरफ्तार 37 सट्टेबाजों का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन होने का आज खुलासा किया। भारत इंग्लैंड मैच के दूसरे दिन खेल में 3 अलग अलग ठिकानों पर छापा मारकर 37 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे कड़ी पूछताछ में 4 अन्य मुख्य आरोपियों का सुराग लगा और उनको नागपुर मुंबई से गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि इन सट्टेबाजों का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन है। ये लोग हर बॉल पर सट्टा खेलते थे और लगवाते थे। एक ऐप के माध्यम से सट्टा लगाने वाले इनके साथ जुड़े थे। 24 और सट्टेबाजों का पता चला है। शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। कोर्ट में पुलिस की ओर से मजबूती के साथ पक्ष रखा जाएगा ताकि जल्दी बाहर निकल ना सके। अभी हमने क्रिकेट बैटिंग के रावण का एक सिर काटा है, जल्द ही बाकी सिर काटेंगे। पुलिस ने 26 मार्च को गहुंजे में भारत इंग्लैंड क्रिकेट मैच के दौरान 3 स्थानों से एक ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह का भंडाफोड़ किया था। पकड़े गए आरोपी अलग अलग राज्यों के हैं और उनका नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सटोरियों के साथ होने की संभावना है। पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश ने ऐसा कहा। मामले के सिलसिले में अब तक पुलिस ने 37 लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य 25 आरोपियों को बरी कर दिया गया है और गिरफ्तारी चल रही है। जी, जो इसके पहले हम लोगों ने एक शानदार कार्रवाई की थी, भारत के बरखिलाफ इंग्लैंड का जो अंतर्राष्ट्रीय सामना, अंतर्राष्ट्रीय मैच शुरू था हमारे यहाँ गहुंजे स्टेडियम में, वहाँ पर हम लोगों ने ट्राइकॉन इंफ्रा बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड मामोडी के नए जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसके B7 बिल्डिंग के 16वें मंजिले पर से तथा सामने घोड़ेश्वर जो एक पहाड़ी है उस पर से और लेमेंट्री होटल से हमने 33 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें अधिकांश लोगों का कहना था कि वो फकत खेलने आए थे, लेकिन ये हकीकत नहीं है। वो उस बेटिंग गैंग के अभिन्न हिस्सा थे जो एक बेटिंग ऐप के मार्फत से बेटिंग लगवाते हैं और इस तरह से जो टाइम लैग का के इंफॉर्मेशन का फ़ायदा उठाते हुए सारे सही इंफॉर्मेशन की बेटिंग ये लगाते हैं और बाकी गलत बेटिंग लगाने वाले लोगों का सारा पैसा इनकी तरफ चला आता है। तो इस तरह से बड़ा गेम ऑफ चांस का धोखा लोगों को दिया जा रहा है, जबकि गेम ऑफ वो चांस की बजाय इनको पहले से ही प्री अनाउंस्ड उनके पास माहिती जानकारी रहती है। इसमें 4 लोग अभी नए अरेस्ट किए गए हैं। एक जिसका नाम पहले ही दिन निष्पन्न हुआ था, वो कड़ी का एक हिस्सा है, उसे किंगपिन समझा जा रहा था, जो नागपुर का है, चेतन जगदीश डावर, जिसका उर्फ नाम है सोनू, उसे हिरासत में ले लिया गया। दूसरा विपिन कुमार मणिलाल तन्ना है, जो कि एक सनबेट्स नाम का ऐप जिसने बनवा कर लिया, डेवलप करवा कर लिया है और उस ऐप के माध्यम से उसका पासवर्ड और उसका जो ये है दे करके उसके आधार पर ये सारी कार्रवाई कर रहा था। तीसरा आरोपी जो पकड़ा गया है वो राहुल अजय शाखला, वो भी लिंक रोड अंधेरी वेस्ट से पकड़ा गया है, और अजय वसंत शाह, वो भी सेजल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिंक रोड गोरेगांव वेस्ट मुंबई से पकड़ा गया। तो इस तरह से हमें एक बड़ी सफलता मिली है इस राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राज्यीय फैले हुए गैंग की को हिरासत में लेने में, और उसके बारे में अगली कड़ियों की जानकारी हमें मिल रही है। अब 25 नए आरोपी जो इस तरह से ऐप्स बनाकर या किसी दूसरे ऐप्स के लिए उस गैंग का हिस्सा बन करके ये बेचने का काम कर रहे हैं, और ये जो बेच रहे हैं ये 25 आरोपी, ये वो आईडी और पासवर्ड जो बेच रहे हैं उन 25 आरोपियों को अब पकड़ा जाएगा, क्योंकि अब उनके नाम हमारे पूछताछ में निष्पन्न हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सर्विस न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।